रहमान रहीम, एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ, हल्की हल्की रिमझिम और बहुत हंसी मौसम के साथ सिदरा मुनीर का सलाम सुबह आपकी नजर। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी हमेशा से यही दुआ रहती है, आप जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ ज़रूर बांटते रहिए। इस वक्त जो है वो बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो कि किचन में मसरूफ होंगी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो कॉलेजेस जा चुके हैं, कुछ मर्द हजरात जो हैं वो दफातर पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी टेबल पर मौजूद हैं, नाश्ता चल रहा है और उसके साथ साथ जो है वो हमारे प्रोग्राम, उम्मीद है कि आप ट्यून इन करना नहीं भूले होंगे। आज का प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर कल कुछ ऐसा हुआ था जो आप नहीं चाहते थे या फिर वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं और गुजरी हुई बातों को ऐसा दिल में बसाते हैं कि अपना आज भी ख़राब कर लेते हैं और आने वाला कल जो है उसको भी स्पॉइल करके रख देते हैं। तो इसलिए जो कल हो गया वो गुजर गया, वो माजी का हिस्सा बन गया, लेकिन आज आपके पास मौजूद है, आने वाला कल आपके पास मौजूद है, मुस्तकबिल में बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ एक अच्छे दिन का आगाज कीजिए, जो कल हो गया वो गुजर गया, अंदेशों को दिल से निकाल दीजिए, उम्मीद का दामन थामिए और आज के दिन का एक बहुत ही खूबसूरत सा आगाज कीजिए। आज के प्रोग्राम का जो है वो फॉर्मेट यूं होगा कि आज इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, बहुत डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि आलमी दिन के हवाले से हमारे और आपके हकूक क्या हैं और इसके साथ साथ किस हद तक गुज़िश्ता हुकूमतें और हमारी आज की हुकूमतें हमें वो सहूलियात, वो बुनियादी ज़रूरियात जो कि इंसानी हकूक का एक बुनियादी जुज़ है वो पहुंचाने में कामयाब हुई हैं। ये तमाम बातें होंगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन मौसम की बात ना हो ये कैसे मुमकिन है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आज तो मौसम की बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने सुना है, सुबह सुबह कोई बता रहा था कि सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला जारी है, क्योंकि मैं सो रही थी इसलिए मुझे नहीं पता, तो लेकिन जो लोग जाग रहे होंगे उनको ज़रूर पता होगा। या फिर अक्सर सुबह सुबह ये होता है कि माएँ जो होती हैं वो बात कर रही होती हैं, आप ऑफिस आते हैं, दोस्त बात कर रहे होते हैं, कोई कह रहा होता है जी सुबह 3 बजे से सिलसिला जारी है बारिश का, कोई 4 बजे से कह रहा होता है, लेकिन खैर जो भी है, मौसम की पहली बारिश आपको भी मुबारक और आप सबके लिए अल्लाह करे कि ये बारिश अब्र रहमत बन के बरसी हो, किसी के लिए भी जहमत का बायस ना बनी हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि हम आपको बताते हैं, रिसर्चेस कुछ शेयर करते हैं, कुछ अनोखी बातें करते हैं जो आप तक पहुँचाना, मालूमात आपको देना बहुत ज़रूरी हुआ करती हैं। तो आज जो है वो रिसर्चेस निकाली हैं जी, कानून कानून होता है चाहे वो कितना ही अजीब हो, और आज जो है वो दूसरे मुमालिक में कुछ ऐसे अजीबो गरीब कवानीन की बात करेंगे जो शायद हमारे लिए बहुत अजीब होंगे, लेकिन वहाँ के बसने वालों के लिए वो कितनी सहूलियात लाते होंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए सिंगापुर की सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने सिंगापुर जाने का इरादा बांध लिया है तो ममनुआ अशिया मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जो कि आप नहीं साथ लेकर जा सकते, जिन्हें आपने अपने साथ नहीं लेकर जाना। इन अशिया में से एक जो है वो च्युइंगम भी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में च्युइंगम चबाओ, जहाँ दिल चाहे उसको फेंक दो, घर में जो है वो अक्सर हमारे पेरेंट्स, बच्चे जो हैं वो इस चीज़ की शिकायत भी करते नज़र आते हैं, लेकिन सिंगापुर में जी च्युइंगम सख्ती से बैन है, ना वहाँ पर च्युइंगम की दरामदात की जाती है, ना वहाँ पर बनाई जाती है, ना बरामदात होती है। तो इसलिए जो है उन्होंने अपने अवामी मकामात जो है उनको साफ रखने के लिए च्युइंगम को ममनुआ करार दे दिया गया है जी। च्युइंगम वहाँ पर कोई नहीं चबा सकता, कोई च्युइंगम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आगे बढ़े चलते हैं इटली और बात करते हैं इटली के कुछ अनोखे कानून की। इटली हम पहुंच चुके हैं और बातों बातों में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहाँ के कुछ मज़े के कवानीन आपको बताते हैं। इटली का शहर है जी वीनस, जहाँ पर कबूतरों को दाना डालना मना है, और अगर आपने गलती से कबूतरों को दाना डाल दिया तो फिर आपको $700 का जुर्माना आयद होगा, जो कि आपको हर सूरत अदा करना पड़ेगा। और इसी बात के मद्देनज़र मेरे जहन में अपने लाहौर का इस्तंबोल चौक भी आ गया, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं, अक्सर लोग सवाब की नीयत से ये काम करते हैं कि कबूतरों को, जानवरों को, परिंदों को खाना खिलाया जाए तो बहुत सवाब होता है, इंसान के
अपने बहुत सारे काम समझ जाते हैं, छोटी छोटी नेकियों में इजाफा होता है, लेकिन इटली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने गलती से भी कबूतर को खाना डाल दिया, दाना डाल दिया, तो फिर आपको $700 अदा करने होंगे जुर्माने की मद में। कनाडा चलते हैं जी। कनाडा का एक बहुत ही अच्छा कानून जिसे सुनकर बल्कि पढ़कर मुझे खुद बहुत मज़ा आया, और उस कानून के बारे में बात करते हैं। कनाडा का सूबा है जी ऑन्टारियो, और उसमें आवाज़ की एक हद मुकर्रर है। और मुझे आज जितने भी मैंने ये अजीब कानून पढ़े, मुझे सबसे अच्छा कानून ये लगा है कि एक आवाज़ की हद मुकर्रर है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक लेवल है कि आप उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकते। अगर आप उससे ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे तो फिर आपको जुर्माना भी होगा और फिर उसकी आपको सजा भी भुगतना पड़ेगी। हमारे यहाँ बात की जाए तो हॉर्न जो है वो सड़कों पे इस तरह बजाया जाता है कि जैसे हॉर्न के बगैर तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी चीखना चिल्लाना जो है वो इंसानी सेहत के लिए भी ख़तरनाक है। एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये कानून मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चीखना पुकारना मना है, चिल्लाना मना है, सीटी बजाना मना है, ऊंची आवाज़ में गाना गाने पर भी पाबंदी है जी कैनेडा में। अभी हम बात करेंगे, आज पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के हवाले से हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो हमारे यहाँ लोगों को क्या मसाइल हैं, किस तरह से जो है वो एक आवाम पिसती जा रही है और एक आवाम ऐसी है जिनको मुसलसल नवाजा जा रहा है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा दिन है, आपका दिन है, और आज के दिन के हवाले से जो है वो बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी राबिया उस्मान। राबिया, खुश आमदीद कहेंगे आपको, वेलकम कहेंगे। आज इंसानी हकूक का आलमी दिन है, मेरा भी दिन है, आपका भी दिन है, और जितने हमारे नाज़रीन देख रहे हैं सबका आज का दिन है, क्या कहेंगे? इंसानी हकूक का आलमी दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि हम ये याद रखें कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हकूक की बात आए तो यूनाइटेड नेशंस का एक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके हिसाब से हम सब के हकूक बराबर हैं। उस पर अमल दरामद में बहुत मुश्किलात होती हैं, लेकिन एक चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है कि हकूक के हिसाब से इंसान सारे बराबर हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, एक चीज़ डिक्लेयर तो कर दी गई है, पॉलिसी भी है कि तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं। और वैसे भी हम बचपन से अपनी इस्लामियात की किताबों में पढ़ते आए हैं कि रंगो नस्ल की बुनियाद पर किसी इंसान को किसी पे फौकियत हासिल नहीं है, चाहे वो कोई अरबी है, अजमी है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमारा मुआशरा जिस जानिब जा रहा है, क्या समझती हैं हो रहा है इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद? तमाम चीज़ों पर तो नहीं हो रहा, लेकिन इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। यानी कि हमारी जो बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी हो रही है, स्पेशली ख़वातीन और बच्चों के साथ, उनके ऊपर काम किया जाए। हुकूमत की तरफ से फ्री सर्विसेज हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं कि जिस भी लेवल पे जाके हेल्प किया जा सके उस रहा हो। हमारे मज़हब में तो यकीनन हमें इंसानी हकूक सबको बराबर दिए हैं, और उससे अच्छा कोई आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकती। लेकिन हमारे माशरे पे हमारे जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं ना, वो नेबरिंग कंट्रीज़ के डिफरेंट, उनसे कुछ चीज़ें हमारी जो है ना वो ख़राब भी होती हैं, कुछ हमारा जो पिछला जो भी तरीका चलता आ रहा है उस वजह से। अच्छा राबिया, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि कुछ जो है वो अमल दरामद भी हो रहे हैं, पॉलिसीज़ भी बन रही हैं, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि दूसरे जो तहजीबें हैं उनकी अंधाधुंध जो तकलीद है वो बहुत ज़्यादा मनफी पहलू उजागर कर रही है। क्या कहेंगी हमारी अगर बुनियादी ज़रूरियात की बात की जाए, तालीम की बात की जाए, सेहत की बात की जाए, आजकल बहुत ज़्यादा मसला है पीने के साफ पानी का। ये तमाम इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट नहीं हो रही? निगलेक्ट भी हो रही है, शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है, गांवों से बहुत ज़्यादा इधर हो रहा है, अर्बन लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये शुर होता जाएगा। लेकिन आई थिंक काम होना शुरू हो गया है, काम हो रहा है, मसला आइडेंटिफाई हो गया, ये भी एक बड़ी बात है कि एटलीस्ट वी हैव रियलाइज्ड कि दिस इज़ द प्रॉब्लम और उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन रियलाइजेशन है, पॉलिसी है और काम भी है। लेकिन खाली गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर्स या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर सकती जब तक हम सब मिलके रियलाइज़ करें कि जी हम सब ने अपना पार्ट प्ले करना है। खाली हम कानून बना देते हैं, उसकी हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा कानून है, मेरा ख्याल है और किसी मुल्क में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है किस चीज़ का कानून है।
और ऊपर से ये भी कभी ऐसा भी एक ग्रुप है या स्टूडेंट्स का या यंगस्टर्स का, एट टाइम्स दे टेक प्राइड इन इट कोई लॉ ब्रेक करके या वॉयलेशन करके कि जी बड़ा कानून था और हमने तो तोड़ दिया। अच्छा, ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी है लोगों में कि अगर आप कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हैं, बेशक वो ट्रैफिक सिग्नल्स की बात हो जाए, वो खामखा का भेजा हॉर्न बजाने की बात हो जाए, अक्सर लोग ये करते हैं और उस पर बड़ा फिर फख्र महसूस करते हैं कि हमने जो है ना वो बहुत बड़ा कोई काम कर दिया है। अच्छा राबिया, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हमने बात की है बुनियादी ज़रूरियात की पानी के हवाले से, तालीम जो है हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में अभी भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी इलाके में कम है, पॉपुलेशन के हिसाब से कहीं ज़्यादा है, स्कूल की फ़ीस भी नहीं है। अब अगर आप शहर में ही देख लें, अपने आसपास ही देख लें, बहुत ज़्यादा माँ बाप ऐसे हैं जो जिनके बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और वो उनको एक कमाने का ज़रिया समझते हैं, यानी कि वो इंटेंशनली नहीं भेजते उनको। तो एक तरफ अगर सहूलत मैसर हो रही है तो हमें भी ख्याल करना है कि हमने छोटे बच्चों से काम नहीं कराना, उनको जितने बच्चे हों उतने कमाने वाले फ़र्द नहीं समझना उनको, और दूसरी बात यह कि हमने बच्चे और बच्ची में फ़र्क नहीं करना। वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, ये तफरीक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये खाने पीने में, स्कूल भेजने में, बच्चे होंगे उतने कमाने वाले होंगे, और पिछले दिनों जो है ये बड़ी डिबेट चल रही थी कि लोग जो है आबादी में इसीलिए बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, वो कहते हैं जी जो बच्चा आता है वो अपना रिस्क लेके आता है, लेकिन कम से कम ये बात है कि अगर उसके दो हाथ है तो कहा जाता है कि उसका एक मुंह है लेकिन दो हाथ है, लेकिन दो हाथ अगर वो कमाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि 25 से 30 साल पहले उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बने, पढ़े लिखे, उसके बाद उसको कुछ अपना वो कारोबार करे या फिर जॉब करे, उसके बाद वो कमाने का अहल होगा, उसके बाद वो कमाना शुरू करेगा, लेकिन हमारे लोगों में ये अवेयरनेस बहुत कम है। आप देखें कि सबको पता है कि बच्चों से काम नहीं कराना, मशक्क़त नहीं करानी, कानून भी है, सब कुछ है, और माँ बाप भी भेजते हैं काम के लिए। ठीक है कि कम रिसोर्सेज होना या गुर्बत होना एक फैक्टर है, लेकिन बच्चों से ही काम कराना और बच्चों पे ही बोझ डालना, स्कूलों में, सरकारी स्कूल में कितनी फ़ीस है, आई थिंक 10 रुपये या शायद वो भी नहीं है, बुक्स वगैरह भी मिलती हैं। तो ये हमें पहले ये सोचना है, ये ख़ुद फैसला करना है कि हमने अपने बच्चे को वहाँ भेजना है। भेजने का स्टेप तो माँ बाप का, वहाँ पर भी बहुत सख्ती होगी। एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी बहुत सख्ती है, टीचर्स की जिम्मेदारी थी। कुछ अरसे पहले मैंने सुना था कि जिस जिस एरियाज़ में स्कूल हैं उन्होंने जाके वहाँ से बच्चों को लेकर आना है, अटेंडेंस इंश्योर करनी है, लेकिन फिर बच्चों को भेज देते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते। कितनी हमारे घर में, लाहौर में कितनी है डोमेस्टिक वर्कर्स, हमारे घरों में जो बच्चियाँ काम करती हैं वो सब यंग हैं। सबसे पहले हमने खुद को पहचानना है और खुद को पहचानने के बाद अपनी सलाहियतों को जानना है और फिर देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राबिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत अहम टॉपिक था जिसे हमने एक कुर्सी में बंद करने की कोशिश की है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, वापस आएंगे और भी मजीद बहुत सारी बातें होंगी।